हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है। आज हम ये देखेंगे कि आपका जो लक है वो कहाँ पर काम करने वाला है, आपका जो लक है वो किस क्षेत्र में आपको जीत दिला सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं। पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, करियर की तरफ हम ध्यान लगाते हैं। कई बार हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों पर स्कैटर्ड तरीके से रहता है, हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी डेस्टिनी में क्या है और कहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान लगाने से सक्सेस मिल सकती है। कहाँ पर हमारा ध्यान ज्यादा होगा तो हमारे जीवन में रास्ते आसान होंगे, मुश्किलें आसान होंगी, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी तरह से रहेगा कि आपकी लाइफ में कहाँ पर आपका लक आपका साथ देगा, किस क्षेत्र में आपको ज्यादा फोकस करना है, किस क्षेत्र में आपको ज्यादा ध्यान देना है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या करियर में, या इस टाइम पर कहां पर आपको ज्यादा अपना ध्यान देने की जरूरत है। तो आज का टॉपिक ऐसा ही रहेगा। यहां पर है ब्यूटीफुल मून स्टोन, मून टम्बल, और यहां पर है स्मोकी क्वार्ट्स। यहां पर देखिए ब्यूटीफुल टम्बल, स्मोकी क्वार्ट्स, तो ये है मूनस्टोन और ये है स्मोकी क्वार्ट्स। दोनों में से आपको जो लगता है इंट्यूटिवली कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ डिफरेंट है, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप भगवान को जरूर याद करें। मैं हमेशा ये मानती हूं कि उनके सानिध्य में रहकर जो भी आप देखोगे सब पार लग जाएगा, सब होने लगेगा। जो आपके लिए सही है वो होने लगेगा और जो आपके लिए सही नहीं है आप उसे छोड़ पाओगे। तो यही चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो आसानी से मिलती रहें, आसान हो जाए जिंदगी। तो आसान कैसे होती है? भगवान को याद करने से आसान होती है, एंजल्स को और उनकी ब्लेसिंग्स को याद करने से आसान होती है जिंदगी, उनके सानिध्य में उनके फेथ के ऊपर रहने से। तो ये सारी चीजें ना अगर आप अपनी जिंदगी में रखते हो तो आपकी जिंदगी वैसे ही आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं टैरो कोर्स की डिटेल भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, हमारा टैरो कोर्स फिर से शुरू हो रहा है और इस कोर्स को करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है, आपको इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करनी है और उसके बाद आप टैरो की सारी डिटेल ले सकते हैं। इस टूल को सीखने के लिए आप मुझसे बात करें और मैं आपको सिखाऊंगी टैरो बहुत ही सिंपल सरल हिंदी भाषा में, और आप इसे सीख कर आगे बढ़ पाएंगे अपनी जर्नी की तरफ, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, और सीख पाएंगे कि कैसे कैसे हम किसी की रीडिंग कर सकते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और बहुत सारी रीडिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की रीडिंग के बारे में। मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले मूनस्टोन की। जिन्होंने भी इसको चूज किया है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, क्योंकि आपने चूज किया है मूनस्टोन और ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप इंट्यूटिवली और भी स्ट्रांग होना चाहते हो और चाहते हो कि आपको हर चीज पहले से ही पता लग जाए। क्योंकि जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है उनको आभास बहुत ज्यादा होते हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा आभास हो जाते हैं। कुछ भी होने वाला हो पहले ही ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, और जब वो हो जाता है तब मुझे लगता है कि वाकई में वो चीज सच हो गई जो मैं सोच रही थी। तो मुझे लगता है कि वाकई इंट्यूशन काम करती है। तो इसी तरह से आपकी इंट्यूशन भी काम करती है, आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करने की जरूरत होती है। और अगर आप इस पे बार बार फोकस करते हैं, बार बार वर्क करते हैं अपनी इंट्यूशन पे, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है धीरे धीरे। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को और भी स्ट्रांग करना चाहते हो तो इस पे फोकस करें, इसको और आप स्ट्रांग करने की कोशिश करें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो वो मैं आने वाली वीडियोज में भी आपको बताती रहूंगी साथ साथ। और इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है मेडिटेशन करना। जितना आप मेडिटेट करेंगे, चाहे आप थोड़ी देर के लिए ही ध्यान लगाएं, पर क्वालिटी ध्यान होना चाहिए, क्वांटिटी ध्यान नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा बैठे रहें पर आपका ध्यान कहीं और है। अगर आप 3 मिनट्स भी बैठते हैं और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन पे रहता है, आपकी थर्ड आई चक्रा पे रहता है, तो आप वो क्वालिटी पा सकते हैं अपने ध्यान में जो आप आधा घंटा बैठकर भी नहीं पा सकते। तो 3 मिनट से स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि बहुत देर लंबा बैठें तभी आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसे आप जरूर समझना। चलिए टैरो की मदद से जानते हैं कि आपके लिए अब क्या है ऐसा जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन करेगा, जहां पर आपका लक आपका साथ देगा। कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, कौन से ऐसी जगहें हैं, मैं यहां पर जो भी मुझे दिखेगा सब आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप गाइडेंस ले पाएं।
यहाँ पर सबसे पहली है एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, टेम्परेंस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर, ग्रेट। तो ये है, पहले मैं फोर एनर्जीज ले चुकी हूं, अब मैं इसको रिवील करूंगी, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। यहां पर मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, पर आपको फिर भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके घर परिवार में हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी बात को समझते नहीं। आप बहुत बोल्ड भी हैं, बहुत स्ट्रांग भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, और आप बहुत वाइज भी हैं, पर फिर भी जब आपकी बात को सुना नहीं जाता, जब आपकी बात को समझा नहीं जाता, तो आपको आपके माइंड में बहुत परेशानी होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत चीजों को बैलेंस कर लिया आपने, बहुत सारी चीजों को कर लिया, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं बात सुनते हैं घर के लोग आपकी, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, और परिवार आपकी बात नहीं सुनता। तो आपको छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़े बड़े मैटर नजर आते हैं। आपको लगता है कि सब आपकी बात को सुने, सब आपकी बात को समझें, क्योंकि आप सही बोल रहे हो। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, पर फिर भी लोग हमारी बात नहीं सुनते, नहीं समझते, क्योंकि उनकी अपनी थिंकिंग है, उनके अपने थॉट प्रोसेस हैं। पर आपको इस बात को जरूर समझना है कि अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा, नहीं सुन रहा, तो आपको परेशान नहीं होना। ये आपकी किस्मत के दरवाजों को बंद करने वाली बात हो जाएगी। अगर आप खुद परेशान हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस इससे बिगड़ जाएगा, आपको परेशानी महसूस होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो ये बैलेंस की एनर्जी आपके लिए आपकी ताकत है। इसको आप ताकत ही बनाकर रखना। ऐसा मत सोचना कि बहुत कर लिया, लोगों के लिए बहुत कर लिया, अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं मैं कर सकती या कर सकता। ये नहीं सोचना है आपने। अपनी आपको ध्यान इस बात को तरफ देना है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, और जब आप इस मोड में आओगे ना, जहां पर नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही है, फीलिंग्स हर्ट हो रही है, तो वहां पर आपकी इंट्यूशन भी काम करना बंद कर देगी। वहां पर आप खुद को हील करने की बजाय खुद को हर्ट कर लोगे, यहां पर मुझे ये लग रहा है। तो मेंटल बैलेंस हिल जाएगा अगर आप इस स्थिति में रहते हो। तो किस्मत के दरवाजे आपके कैसे खुलेंगे, कहां पर आपकी किस्मत आपका साथ देगी, अगर आप बैलेंस करते हो, अगर आप जिंदगी के सामंजस्य को समझते हो, अगर आप ये समझते हो कि काम में भी उतना ही मुझे फोकस करना है जितना घर में करना है, जितना मैं करियर पर फोकस करना चाहता हूं या चाहती हूं, उतना ही मुझे घर पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ इस एनर्जी में नहीं रह सकते हो। यहां पर मुझे साफ साफ लग रहा है कि जो फीमेल मेल एनर्जी में है, क्योंकि कार्ड्स की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, वो मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल एनर्जी में हो सकती हैं, और अगर आप मेल हैं तो भी आप मेल एनर्जी में हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप फीमेल हैं तो बहुत बोल्ड नेचर के हैं, और आप ये चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सुनकर उसे ही इम्प्लीमेंट करें, पर जब ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और आपकी जो डोमिनेटिंग पावर है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाएं अपने करियर में, काम में और घर परिवार में, ये सामंजस्य जरूरी है। मैं मेजर कार्ड से एक कार्ड लेकर देखना चाहती हूँ। यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी, ओके। तो देखिए, जस्टिस आपको तभी मिलने वाला है जब आप सामंजस्य बिठाएंगे। यहां पर है एम्प्रेस, ओके। एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि आप जरूर एक प्रिंसेस हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा लग्जरी में रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को सुने, पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उनको अपनी बात नहीं समझाते हो। जब आप इस तरह से करोगे, जब आप खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और लोगों को ढंग से किसी लॉजिक के साथ बात को समझाने की कोशिश करोगे, तो जस्टिस आपको मिलेगा। लोग आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे, और वहां पर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि जो चीजें मैं अभी तक नहीं कर पाया या कर पाई, वो चीजें सब खुलने लगी हैं, सब होने लगा है, एनर्जीज अपना काम करने लगेंगी, एनर्जीज खुलने लगेंगी, और ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने लगेंगी। तो अगर आप करियर में या अपने काम पर या अपनी किस्मत के लिए कहीं ना कहीं खुद को दोष दे रहे हो,
तो ये दोष देना बंद करो और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आओ। सबसे पहले मत कहो कि किस्मत खराब है, मत कहो किस्मत कभी साथ नहीं देती, मत कहना कभी नींद आने में भी किस्मत का ही हाथ है। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि नींद नहीं आती तो कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो कभी चैन की नींद आएगी ही नहीं। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, पेशेंस रखना है। एम्प्रेस हो आप एक रानी की तरह अपनी एनर्जी को समझना, क्योंकि एक रानी जो होती है वो जितना मर्जी कंफर्ट जोन में हो, उसे एक औहदा इसलिए दिया जाता है, रानी का औहदा इसलिए मिलता है क्योंकि वो उसमें इतनी पावर भी होती है कि वो इस औहदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सके। तो आपको भी ये करना है, अगर आप एक एम्प्रेस हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखें। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हट सकते। जस्टिस आपके साथ तभी होगा, जस्टिस आपके साथ तब होगा जब आपको आप इस क्षेत्र में जाएंगे जहां पर आपकी एनर्जीज हैं, जहां पर आपको पता है भगवान ने आपको जन्म ही इसलिए दिया है कि आप डिसिप्लिन में रहना। आप एम्प्रेस हैं तो एम्प्रेस की एनर्जी में रहना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, तो ये जरूरी है। मतलब आपको भगवान ने बनाया ही इसलिए है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और आप जस्टिस पा सकते हैं इस बात से। यही आपकी किस्मत है, यही आपके दरवाजे किस्मत के खुलेंगे, तो इसलिए आपको भगवान को कभी कोसना नहीं है। मैं एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेकर एनर्जी चेक करना चाहती हूँ, द गार्डन एंड द गेट, और इसके साथ साथ है एक और कार्ड कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है कि जैसे आपको मैंने कहा कि आप एम्प्रेस हैं, और आप अगर मेल हैं तो भी आप एक एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही एनर्जीज हैं। देखिए यहाँ पर तो एक राजा रानी वाली एनर्जी जो आपकी है वो आपकी हमेशा ही साथ चलने वाली है, और आप अपने आप को अगर इसी एनर्जी में रखोगे ना आप सक्सेस तभी पा सकते हो। डोमिनेट करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपनी इस एनर्जी को समझते हुए किसी को डोमिनेट करोगे तो फिर तो जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको सामंजस्य बिठाना है, आपको बैलेंस करना है। द गार्डन एंड द गेट बता रहा है मुझे कि आप वेट कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, या तो आप अपने रिलेशनशिप में किसी का वेट कर रहे हो और या आप अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग रिश्ते में वेट कर रहे हैं और कुछ लोग अपने करियर के लिए वेट कर रहे हैं। तो जो लोग रिश्ते में वेट कर रहे हैं आपको गुड न्यूज बहुत जल्द मिल सकती है और आपका लक वहां पर आपका साथ दे सकता है। अगर आप एक कम्युनिटी से, जो आपके आसपास की कम्युनिटी है, हो सकता है आपके ही फ्रेंड सर्कल में कोई हो, अगर आप ऐसे किसी पार्टनर की वेट कर रहे हो जिसको आप पहले से जानते हो, या आपकी ही कम्युनिटी का कोई वो पर्सन है, तो वो आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होगी और आपका लक यहाँ पर आपका साथ देगा रिश्तों को लेकर। और जो करियर को लेकर देख रहे हैं, आप लोगों को कम्युनिटी में काम करना चाहिए। आपको किसी के साथ हार्श बिहेव नहीं करना है, आपको किसी के साथ ब्लंट नहीं बोलना है, आपको बहुत सोच समझकर बैलेंस के साथ और जस्टिस करें दूसरों के साथ, ऐसा आप व्यवहार करें और एक कम्युनिटी बिल्ड करें। जैसे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, मान लीजिए कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, आप किसी को गलत मत बोलें, आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई बैड कमेंट कर रहा है तो भी किसी को आंसर मत करें, अगर कोई अच्छा कमेंट कर रहा है तो आप उसको हाथ जोड़कर एप्रिसिएशन को ले लें, क्योंकि ये जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में इसका बहुत भारी नुकसान हमें हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको कम्युनिटी के साथ मिलकर चलना पड़ता है, तो वहां पर सबके साथ हाथ जोड़कर विनम्र होकर आप बात करें तो ज्यादा अच्छे आपको आउटपुट्स मिलेंगे, ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जरूरी है कि आप एम्परर तो हैं, एम्प्रेस तो हैं, पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से बाहर आए। वहां पर आपको ज्यादा नहीं रहना, ब्लंटली नहीं बात करनी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, पर कभी कभी एनर्जी को चेंज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से लोगों पर इसका इम्पैक्ट बुरा हो जाता है, क्योंकि लोग ऐसी भाषा को अच्छा नहीं समझते। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें। और देखते हैं आपके लिए और क्या है, एट ऑफ कप। ओके, यहाँ पर फिर से देखें थ्री ऑफ पेंटिकल है। तो कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा वेट में हो और किसी रिश्ते से आप परेशान भी हो चुके हो, कई लोगों के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि सबके लिए होगा, कई लोगों के लिए ये भी स्थिति बनेगी कि वो पास्ट के किसी रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लक के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मेरी किस्मत यहां मेरा साथ देगी, इस नए रिश्ते में मेरा साथ देगी। तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर वो नया रिश्ता आपके किसी जान पहचान में है, आपके किसी फ्रेंड सर्कल में है,
रिश्तेदारी में है तो वो आपका साथ जरूर देगा और वहां आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। और इस स्थिति के लिए आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना है। ऐसा मत समझना कि सब चीजें अपने आप ही होती चली जाएंगी, आपको इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मुश्किल स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब आप एक रिश्ते से मूव ऑन करोगे तो हो सकता है कि रिलेशनशिप के इश्यूज कई बार कितने गहरे होते हैं वो हम खुद ही जानते हैं, हम किसी को समझा भी नहीं सकते कि ये रिश्ता किस तरह का था, कितना गहरा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मुश्किलें थी, वो हमें खुद ही फेस करना पड़ता है। तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी तभी आप मूव ऑन कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और यहां पर आपके अगर कम्युनिटी में, आपके अगर आसपास के लोगों में, आपके अगर जो भी आपके कलीग्स हैं वहां पर कोई भी इंसान जो आपको जानता है, अगर वो आपके रिलेशनशिप में आपके पास आएगा तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है क्या, नाइट ऑफ कप्स का, तो साफ साफ मुझे ये मैसेज मिल गया है कि आपके लाइफ में जरूर कोई आएगा। जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करोगे तो यहां पर लक आपका साथ देगा, डेफिनेटली देगा, जो लोग आगे बढ़ने वाले हैं उनके लिए। और ये जो पर्सन है, जो आपके ही घर परिवार से, रिश्तेदारी में से, दोस्तों में से कोई हो सकता है और आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, तो वो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा। यहां पर आपका लक आपका साथ दे सकता है। करियर के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप अपने करियर पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी के साथ ही चलें, आगे बढ़ें, लोगों को साथ लेकर चलें, उनके सहयोग के साथ काम करें तो ज्यादा लक आपका साथ देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं कि रिलेशनशिप में आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे, जिन लोगों के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। और यहां पर मैंने ये भी देखा है कि अगर आप मूव ऑन ही करना चाहते हो, रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई है रिश्ते को लेकर, तो नए रिश्ते की शुरुआत भी आपके लिए लकी साबित हो सकती है। तो आपको ध्यान से इस बात को आगे लेकर जाना है। अगर आपको जस्टिस मिल चुका है, जस्टिस के आप बहुत देर से डिमांड कर रहे थे और वो जस्टिस आपको मिल चुका है, तो आगे बढ़िए और अपने नए रिश्ते में आगे आने के लिए खुद को तैयार कीजिए और इस तरफ आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। और करियर के लिए तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि करियर में आपके लिए कम्युनिटी चाहिए, लोग चाहिए, लोगों के बिना, लोगों के सहयोग के बिना आप कुछ भी करेंगे तो उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, तो फोकस आपका उस तरफ होना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपको किस तरफ फोकस करना है, कहां लक आपका साथ देगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। चलिए बात करते हैं जिन लोगों ने इस क्रिस्टल को चूज किया है, स्मोकी क्वार्ट्ज को चूज किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, आपकी किस्मत कहां पर आपका साथ देने वाली है, कहां पर आपको फोकस करना है, कहां पर आपको ध्यान देना है, किस क्षेत्र में आपको ध्यान देना है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, क्या आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, इस टाइम पर एनर्जीज क्या हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं इसकी तरफ। भगवान को याद कीजिए, उनका ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए और हमेशा उनके सानिध्य में रहकर ही रीडिंग को देखें। मैं हमेशा यही कहती हूँ। फाइव ऑफ कप्स, ग्रेट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई, इन जिन लोगों ने भी स्मोकी क्वार्ट्ज को चूज किया है, आपके लिए यहां पर कुछ मिक्स एनर्जीज हैं, कुछ मिक्स एनर्जीज हैं आपके लिए। मैं ये देख पा रही हूं कि आप लोग हो सकता है कि मटेरियल्स की तरफ ज्यादा इस टाइम पर ध्यान दे रहे हैं। आपने वो चीजें कभी नहीं देखी, कभी नहीं सोची जो चीजें आपकी इमोशनली आपको स्टैंड कर रही थी, जिन लोगों ने आपका साथ दिया आपने उनको तवज्जो नहीं दी, मुझे ये लग रहा है। और अब आप इस एनर्जी में हैं। यहाँ डेविल मुझे ये बता रहा है कि कई मटेरियल्स, कई लोभ जिसे कहते हैं, भोग जिसे कहते हैं, तो वहां पर आपका ज्यादा इस टाइम पर फोकस है। लालच की भावना को ज्यादा अपने आसपास मत आने दें क्योंकि ये आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, पर कहीं ना कहीं उन रिश्तों को समझना बहुत जरूरी होता है जिनको हम समझ नहीं पाते। तो यहां पर मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी लगी कि कुछ एडिक्शन है, कुछ बैड ऐसी एनर्जीज मुझे आसपास दिखाई दे रही हैं, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की तरफ भागना पसंद है। हर चीज जरूरी होती है, पैसा भी जरूरी है, लग्जरी भी जरूरी है, भोग विलासता भी जरूरी है, पर एक लिमिट के साथ। जब कोई चीज लिमिटलेस हो जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स शायद आज ना दिखाई दें पर कल तो जरूर दिखाई देंगी। कभी ऐसा नहीं होता कि
सब चीजें एज इट इज एक लंबी सीधी लाइन में चलती रहे, कभी नहीं होता ऊपर नीचे सब चीजें होती रहती हैं। तो तब हमें पता चलता है कि ये एनर्जी अगर आई थी तो क्यों आई थी, किस लिए आई थी, हमें रोक रही थी, हम रुके नहीं उस समय पर, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है, तो मैं इसीलिए आपको रोक रही हूँ। तो यहाँ मेजर कार्ड्स में देख रही हूँ कुछ और एनर्जीज, डेथ, ओके। तो चेंज की जरूरत है आपको, अपने लाइफस्टाइल में चेंज की जरूरत है, अपने खान पान में चेंज की जरूरत है, अपनी भोग विलासता में चेंज की जरूरत है। एक्सरसाइज कीजिए, उठिए। अगर आप बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट से जुड़ चुके हैं, उठना ही नहीं चाहते, तो ये बहुत गलत है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी गलत है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी बॉडी की तरफ, अपने काम की तरफ, ये बहुत गलत है। अगर आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए। और देखिए यहाँ पर एक देवी की तस्वीर है और डेविल उनके चरणों में है, पैर में है। एक देवी माँ है जो डेविल को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर ये मैसेज आपको मिल रहा है साफ साफ कि अगर आप अपनी किस्मत में जो जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, वो यही एक चीज है जहां आपको बहुत फोकस करना है। अपनी एडिक्शन को खत्म कीजिए, एक एनर्जी को इन्वोक कीजिए जो आपके अंदर की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन है, आपको उस पर बहुत वर्क करने की जरूरत है और इस डेविल को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा जब आप इस काम पर फोकस करोगे। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, वो काफी ज्यादा एडिक्शन में है और काफी ज्यादा किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करना सीखो, इंट्यूशन पे वर्क करना सीखो और कहीं ना कहीं मटेरियल्स को इतना ज्यादा तवज्जो मत दो कि आपकी जिंदगी में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएं और आपको बाद में समझ आए कि लाइफ को ऐसे नहीं जिया जाता। यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके लिए भगवान का ये संदेश है कि आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये दरवाजे तब खुलेंगे जब आप पर्सनल हीलिंग की तरफ जाएंगे और पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। तो साफ साफ वार्निंग्स हैं आपके लिए कि आप फोकस कहाँ करेंगे, अपने रिलेशनशिप की तरफ करेंगे, अपनी एडिक्शन की तरफ करेंगे कि मुझे इससे बाहर निकलना है, इसको मुझे और ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो ये एनर्जीज आपको समझनी है, बहुत जरूरी, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अगर आप बैलेंस जिंदगी जीना चाहते हो। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी को जीते जरूर हैं पर वो बैलेंस में नहीं जीते हैं अपनी जिंदगी को, वो इतना ज्यादा अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं जहां पर एडिक्शन बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कुछ भी चीजें बुरी नहीं होती हैं पर हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है। अगर आप पार्टीज में जाते हैं उसमें क्या बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है। आजकल तो यंगस्टर्स में पार्टीज का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो बुरा कुछ भी नहीं है। पर हर चीज लिमिट में ठीक रहती है और हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है, तब आप उन मटेरियल्स को बहुत इंजॉय कर सकते हो जो आपको स्टेबिलिटी भगवान ने बख्शी है। यहाँ पर मुझे काफी स्टेबिलिटी नजर आ रही है कि आप काफी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल इश्यूज कम है और प्रॉब्लम्स ऐसी बहुत कम है, पर इसके लिए भी आपने अपने आप को बैलेंस में नहीं रखा। आप इन चीजों का गलत उपयोग कर रहे हैं, आप इन चीजों को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं जो आपके आने वाली लाइफ पर इसका इफेक्ट देगी और आप इस जगह को, इस एनर्जी को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको यहां पर फोकस करने की जरूरत है कि कैसे इस एडिक्शन से आप बाहर निकल सकेंगे, कैसे इन बुरी चीजों से आप बाहर निकल सकेंगे। तो ज्यादा आपको फोकस यहीं पे करना है और जो रिश्ते आपने बिगाड़ लिए हैं उन पर फोकस कीजिए कि वो क्यों बिगड़े हैं, आपसे क्यों वो दूर चले गए हैं, रीजन क्या रहे हैं। द मून, देखिए कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज भी हो रहे हो कि समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को संभाले कैसे। बहुत सारे लोगों की आप में से एनर्जी होगी, सन की एनर्जी है, तो आपको फिक्र की तो जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जब ये एनर्जी आती है ना तो भगवान खुद आकर आपको थामेंगे, बस आपको कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोशिश आपको करना है एक छोटा सा बच्चा बनकर, आप भगवान के सानिध्य में जाइए, उनसे कहिए कि मैं तुम्हारा छोटा सा बच्चा हूं, मैंने जो गलतियां की वो गलती से हुई। हम सब लोग गलतियां करते हैं, गलतियां कभी भी, कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं होगा जो कोई गलती ना करे, हर कोई इंसान गलतियां करता है। बस आप गलती को मान लें
और भगवान से कहें कि आप मुझ में इतनी ताकत दें, मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपने आप पर फोकस कर पाऊं, अपनी हीलिंग कर पाऊं, अपनी हैप्पीनेस की तरफ ध्यान दे पाऊं, अंदर से मैं स्ट्रांग हो जाऊं। आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको हील जरूर करेंगे। यहाँ पर भी है द फूल की एनर्जी जो ये बता रही है कि बस सरेंडर कर देना है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे ना, इन दोनों चीजों पर, तो फिर आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। डेथ की एनर्जी बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन फिर बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आप अपने आप को बदलाव में नहीं लेकर आ पा रहे हो तो बस भगवान के सामने बच्चा बनकर कह दीजिए कि मुझे बदलाव चाहिए, तो वो उनकी ड्यूटी है, उसके आगे उनकी बातें शुरू हो जाती हैं, उनकी ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं। बस आपको ये कहना है। कई बार हम खुद जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले पाते, हमें नहीं समझ में आता कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को संभालना है। हम बिल्कुल ऐसी इनोसेंट एनर्जी में होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम कई बार ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। क्या आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हो? आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां से निकल नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि ये अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अगर मैंने इसके साथ अपना साथ कट ऑफ कर लिया, तो आप शायद फंस जाएंगे। आपको लगता है कि ये एनर्जीज जो मेरे आसपास हैं वो मुझे पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और आप उससे नहीं निकल पा रहे हो। सिचुएशन भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशन ही हो, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी है। बस थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना शुरू करें, योगा करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें। आप जितना करोगे ना, उतना ही ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है कि आप अपने अंदर के डेविल को कंट्रोल कर लोगे, और जितना आप इसे कंट्रोल कर लोगे उतना ही जल्दी आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो फोकस कहाँ करना है, चाहे आपके करियर का क्वेश्चन है, चाहे आपका आपकी लाइफ का क्वेश्चन है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, कुछ भी है, यहां पर मुझे साफ साफ लग रहा है कि आपको अपने आप पर फोकस करना है। आप अपने आप को ही फोकस नहीं कर रहे हो, और यही आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही है। यही आप खुद से हार जाते हो। जब इंसान खुद से ही हार जाता है तो फिर उन्हें जीत कौन दिला सकता है? तो खुद से नहीं हारना। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर अगर आप फोकस कर लेते हो, जहां पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हो, तो आप इन सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, और करियर भी दिखने लगेगा, रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, और जहां पर भी अटके हो ना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां देखिए, आपने स्मोकी क्वार्ट्ज को चूज किया है, तो क्वार्ट्ज बिल्कुल क्लियर स्टोन होता है, और स्मोकी क्वार्ट्ज थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे धुएं का रंग है। तो यहां क्लैरिटी नहीं है आपको, आपको इससे हीलिंग करना चाहिए। आपको स्मोकी क्वार्ट्ज से हीलिंग करके अपनी क्लैरिटी में परिवर्तन करना चाहिए। जो क्लैरिटी आपको चाहिए लाइफ में, वो आपको इस क्रिस्टल से मिल सकती है। आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो आप क्रिस्टल्स का यूज करके इसकी प्रोटेक्शन ले सकते हो। आप अगर चाहते हैं क्रिस्टल्स के बारे में जानना, या आप अपने लिए पर्सनल क्रिस्टल लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट्सएप कीजिए, और क्रिस्टल्स के बारे में आप पूछ सकते हैं कि आपको पर्सनल क्रिस्टल कौन सा पहनना चाहिए, और क्या आपकी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।